अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये शिल्पा का क्रोचेट थ्रेड लिया है। ये कॉटन थ्रेड है, इसकी परचेस लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसमें मैंने ये बीट्स डाल दिए हैं। धागे में मोती कैसे डालते हैं, इस पर मैंने फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नीडल यहाँ ली है मैंने 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैं रुमाल पर बना रही हूँ। यहाँ मैंने बेस लाइन बना ली है, ये देखें, टू चैन अटैच लेते हुए हमने ये बेस लाइन बना ली है। बेस लाइन बनाने के बाद यहाँ पर मैंने धागा कट कर लिया है। अगर आपको ये बेस लाइन बनाना नहीं आती है तो इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का उसे प्रेस कर दें, और बेल नोटिफिकेशन आएगी तो वहां पर आपने ऑल पर क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और इस तरीके से आपने पहले राउंड लेकर यहाँ पर पकड़कर स्लिप नट लेना है। इस तरीके से स्लिप नट लेने के बाद हमने ये जो कॉर्नर से हमने टू चैन जो ली है, इसमें हम पहले अटैच करेंगे, नीडल डालेंगे हम और धागा लेते हुए बाहर आएंगे। अब यहाँ पर हमने एक अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने लेनी है चैन। अब आप जितनी चैन लेंथ के हिसाब से हमें लेनी है, यहाँ पर 1 और 2, तो ये टू चैन हमारी एज अ डबल क्रोशेट काम करेगी। और आगे बढ़ने के लिए फिर से हमने यहाँ पर टू चैन लेनी है, तो यहाँ पर टोटल हमने यहाँ 4 चैन ले ली, 1, 2, 3 और 4। 4 चैन लेने के बाद नीडल पर धागा फोल्ड करके ये जो नेक्स्ट हमारा 2 चैन का गैप है, इस गैप में हमने नीडल डालनी है और 1 टाइम हम डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। अब हम फिर 2 चैन लेंगे, 1 और 2, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट डाल देंगे। फिर हम 2 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में 1 टाइम डबल क्रोचेट डाल देंगे इस तरीके से। और ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए गाइज, ये हमारी लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आप इसकी और लेंथ बनाना चाहते हैं तो आपने सेम ऐसे ही इसे और कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। अब यहाँ पर मुझे एंड करना है, इसलिए मैं यहाँ पर धागा कट कर रही हूँ। 1 चैन आपने एक्स्ट्रा लेनी है और धागा कट कर लेना है। अब हम फिर से फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे और कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। स्लिप नट लेने के बाद ये जो हमने 2 चैन का गैप बनाया है, बॉक्स बनाए हैं, इसमें हम पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब हम नीडल पर धागा फोल्ड करके नेक्स्ट गैप में 2 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे, 1, 2 और 3 इस तरीके से। 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाने के बाद हमने यहाँ मोती पास करने हैं, तो यहाँ पर हम तीन मोती पास करने के बाद यहाँ से धागा इसमें हम अंदर की तरफ ले लेंगे। ये 3 मोती हमारे यहाँ अटैच हो गए। अब हमने नीडल पर धागा फोल्ड करके सेम गैप में फिर 3 बार डबल क्रोचेट बना लेना है, 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर ये हमने नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेना है इस तरीके से। देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। ऐसे ही हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। अब
नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हमने निडल पर धागा फोल्ड करके ये गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है। 1, 2 एंड ये 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बनाने के बाद हमने 3 मोती को पास करना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर इन मोती को इस तरफ कर सेम गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेना है। इस तरीके से तो ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट गैप में हमने अटैच कर लेना है इस तरीके से, और बस ऐसे ही आपने कंटिन्यू इसे फॉलो करते जाना है। ये देखें, एक और लास्ट मैं आपको बताती हूँ। निडल पर धागा फोल्ड करना है आपने और ये गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में 3 टाइम्स हमने डबल क्रोशेट पहले ले लेने हैं। 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। फिर हम 3 मोती पास करेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करके इस धागे में अटैच कर लेंगे और फिर सेम गैप में 3 टाइम्स डबल क्रोचेट बना लेंगे। 1, 2 एंड 3 इस तरीके से। फिर ये एक गैप छोड़कर नेक्स्ट गैप में अटैच कर लेंगे और ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। जितनी आपको लेस की लेंथ बनानी है बस आपने ऐसे ही इसे बनाते जाना है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आई है लेस डिज़ाइन, और कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये देखें इस तरीके से। सो ऐसे ही इसे मैं कंटिन्यू फॉलो करूंगी, इसकी और लेंथ बनाकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइज, इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइज़।